बाड़मेर में एक नई शुरुआत हो रही है। शास्त्री नगर अंडर ब्रिज के पास भामाशाह तनसिंह मार्ग पर करीब 3 बीघा जमीन पर लीलाराम जांगिड़ की स्मृति में एक खूबसूरत पार्क विकसित किया जा रहा है। इसके लिए करीब 1 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई है और काम शुरू हो चुका है। इस पार्क का निर्माण उस जगह पर हो रहा है जहां पहले कचरे का ढेर लगा रहता था और बबूल की झाड़ियों ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया था। अब नगर परिषद की पहल से इस जगह को पूरी तरह से साफ किया गया है और चारदीवारी का काम भी लगभग पूरा हो गया है। कलेक्टर टीना डाबी के नेतृत्व में सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए भामाशाहों का सहयोग मिल रहा है। बाड़मेर में इन दिनों नई कलेक्टर टीना डाबी के ज्वाइन के बाद एक नया अभियान शुरू किया गया, नवो बाड़मेर, जिसके तहत बाड़मेर की सड़कें हो, चौराहे हो, हर जगह सफाई अभियान चलाकर सफाई करवाई गई और बाड़मेर की सड़कें एकदम चमाचम कर दी गई। हर दुकान के आगे अब आपको डस्टबिन नजर आएगा। हर दुकानदार अब कचरा फैलाने पर उनको एक चालान के रूप में सजा भी दी जाती है। इसको लेकर अब बाड़मेर के दुकानदार हो या कोई भी हो, हर कोई सजग हो गया है और कचरा फैलाने पर एकदम रोक लग गई है। इसी कड़ी के तहत बाड़मेर में अब शास्त्री नगर के अंडर ब्रिज के पास रेलवे कॉलोनी के पास ही एक पार्क विकसित किया जा रहा है। स्वर्गीय श्री लीलाराम जी जांगिड़ की स्मृति में ये 1 करोड़ तक की लागत का आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक पार्क होगा, जिसको 6 महीने के अंदर इन भामाशाहों का सपना है और जल्द ही पूरा किया जाएगा। बाड़मेर में शास्त्री नगर हो, गांधी नगर हो, विष्णु कॉलोनी हो, रेलवे कॉलोनी, इन कॉलोनियों के नज़दीक एक सुसज्जित पार्क आपको 6 महीने के अंदर एक नया देखने को मिल सकता है। इसको लेकर भामाशाहों ने कार्य करवाना भी शुरू कर दिया है। आप यहाँ इस तस्वीरों में देख सकते हो कि पहले यहाँ पर बाड़मेर का कचरा पॉइंट था, जहाँ कई हर गलियों का कचरा यहाँ पर डाल दिया जाता था, लेकिन अब इनको JCB से सारा समतल जमीन करके एक पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। कुछ ही महीनों में इन पार्क की एक सुसज्जित यहाँ पर पार्क की योजना बनी जा रही है। कुछ ही महीनों में ये तैयार हो जाएगा और बाड़मेर को एक नया पार्क देखने को मिलेगा, जहाँ पर हर सुविधा होगी, आपको जिम होगा, हर कुछ आधुनिक सुविधाएं इसके अंदर होगी। और भामाशाहों ने ये बीड़ा उठाया कि हमने 6 महीनों के अंदर अंदर ये कार्य पूरा कर दिया जाएगा। लीलाराम जांगिड़ स्मृति उद्यान को 3,767 वर्ग मीटर में विकसित किया जाएगा, जिसमें 2 एंट्री गेट होंगे, एक तनसिंह चौहान मार्ग पर और दूसरा पश्चिम दिशा में। और इस पार्क में 351 वर्ग मीटर पर जिम, 323 वर्ग मीटर सीनियर सिटीजन क्षेत्र, 624 वर्ग मीटर पथ मार्ग, 704 वर्ग मीटर वॉकिंग ट्रैक, 245 वर्ग मीटर बच्चों के खेल क्षेत्र, 138 वर्ग मीटर योग क्षेत्र, 474 वर्ग मीटर पौधों के लिए, 144 वर्ग मीटर ओपन एरिया, 207 वर्ग मीटर बम्प एरिया, 167 वर्ग मीटर पर फव्वारे आदि विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा भी पार्क में 40 स्ट्रीट लाइट और 12 डस्टबिन लगाए जाएंगे, जिससे इसे और भी सुंदर और सुविधाजनक बनाया जाएगा। यह पार्क न केवल शास्त्री नगर, गांधी नगर और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक ठंडा और हरा भरा स्थल होगा, बल्कि सामाजिक एकता और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देगा। बाड़मेर के विकास के इस पहल ने न केवल नगर की सूरत बदलने का काम किया है, बल्कि यह शहरवासियों को एक नया और सुरक्षित पार्क प्रदान करने का भी वादा करता है। नवो बाड़मेर अभियान के अंतर्गत यह पार्क एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां हर कोई स्वच्छता और सौंदर्य के इस मिशन का हिस्सा बन सकेगा।